हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं जिस देश को खुला मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इस देश का इतिहास इसलिए खास है क्योंकि एक बार इस देश को दुनिया के मैप से ही निकाल दिया गया था। इस देश ने अपनी आजादी के लिए 40 बार लड़ाइयां लड़ी। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर जन्मदिन कम और नेम डे ज्यादा मनाया जाता है। इस देश में किसी के घर के अंदर टोपी पहनकर घुसना मतलब उन लोगों को इंसल्ट करना होता है। इस देश में मशरूम की खेती करना सबसे पसंद है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के सबसे खूबसूरत देश पोलैंड की। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं पोलैंड की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पोलैंड का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ पोलैंड और ये देश जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रशिया के साथ अपना सीमा साझा करता है। ये यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये इटली और यूके से कई गुना बड़ा देश है। देश की कुल आबादी की बात करें तो ये है 3,80,00,000 के आसपास। इस देश में 61% लोग शहर में रहते हैं तो वहीं 39% लोग गाँव में। हमने आपको पहले ही बता दिया कि पोलैंड देश का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। इस देश ने एक या दो नहीं बल्कि कुल 40 बार आजादी की लड़ाई लड़ी है। इस देश ने 17वीं सदी में अपने पहचान को लेकर बहुत संघर्ष किया। अगर 17वीं शताब्दी में कोई सबसे ज्यादा तंग देश था तो वो था पोलैंड। आपको जानकर हैरानी होगी कि पोलैंड को 1772 से लेकर 1795 तक के लिए वर्ल्ड मैप से अलग कर दिया गया था। चलिए अब आपको बताते हैं इस देश का नाम पोलैंड ही क्यों पड़ा। दोस्तों, पोलैंड का मतलब होता है पीपल लिविंग इन ओपन फील्ड्स। चूंकि देश बड़ा है और आबादी बहुत कम है, ऐसे में यहाँ दूर दूर तक सिर्फ बड़े बड़े मैदान ही नजर आते हैं और इसीलिए यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये खुले मैदान में रहने वाले लोग हैं। खुले मैदान वाले इस देश के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा खुले विचार के लोग रहते हैं। मतलब यहाँ के लोग सीधे मुंह बात करते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कि पीठ के पीछे आपके बारे में बोलता हो। लोग सामने बोलते हैं और वहीं बात को खत्म कर देते हैं। पोलैंड के लोगों को सबसे ज्यादा अगर किसी भी चीज से नफरत है तो वो है झूठ। कभी भी इनसे किसी भी बात को लेकर झूठ मत बोलिएगा क्योंकि ऐसा करने पर आप पोलिश इंसान का विश्वास हमेशा के लिए खो देंगे। ये आपके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि पोलैंड के नागरिक अपने दोस्तों के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं और ये भी कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं और न ही किसी से धोखा खाने की उम्मीद करते हैं। दोस्तों, क्या आपने पोलैंड का वार्सो सिटी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताते हैं कि इस शहर के साथ क्या हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये शहर पूरी तरह से तबाह हो गया था। यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं था। सारे के सारे बिल्डिंग्स मलबे में बदल गई थी और सारे के सारे घर को कब्र बना दिया गया। लाखों की संख्या में लोग इस देश में मारे गए लेकिन सबसे ज्यादा तबाही वार्सो में ही मची थी। जो यहाँ की हालत थी उसे देखकर कोई भी सोच नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये शहर दोबारा बस जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ की सरकार की चाहत और यहाँ के लोगों की मेहनत ने इस शहर को दोबारा खड़ा कर दिया। आज ये पोलैंड की राजधानी शहर होने के साथ साथ देश का सबसे बड़ा शहर भी है। अब इस शहर को देखने के बाद कोई कह ही नहीं सकता कि एक समय पर ये मलबे का ढेर था। क्या आप जानते हैं यूरोप का सबसे पुराना रेस्टोरेंट कहाँ है? पोलैंड की राजधानी वार्सो में। आज भी ये रेस्टोरेंट खूब चलता है और आज भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं लोग खाना खाने के लिए। इसका नाम है पिवनिका स्विडनिका जो कि 1275 में खुला था। आपको ये भी बता दें कि दुनिया की सबसे बेहतरीन डंपलिंग्स है जिसे हम मोमो कहते हैं, आपको इसी देश में खाने को मिलेगी। आप चाहें कहीं भी कितने भी टेस्टी डंपलिंग्स खाकर क्यों ना आए हो, लेकिन यहाँ की बात ही अलग है। तभी यहाँ के स्टफ डंपलिंग्स का स्वाद लेने के लिए यूरोप के अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, अलग अलग तरह का वाइन पीना पोलैंड के लोगों का काफी शौक है। ये जमकर शराब पीते हैं छुट्टी वाले दिन। उस दिन यहाँ पर आपको रास्ते देखकर ही पता चल जाएगा कि आज छुट्टी का दिन है क्योंकि उस दिन यहाँ सब कुछ खाली रहता है और तो और यहाँ का मार्केट भी खाली होता है। वीकेंड पर यहाँ के लोग या तो आपको बार में नशे में धुत मिलेंगे या तो अपने अपने घर पर। किताब पढ़ने का भी पोलैंड के लोगों को बहुत शौक होता है। यही वजह है कि आप इस देश के किसी भी गांव में भी चले जाइए, आपको यहां पर ज्यादातर लोग दिन में कम से कम एक घंटा तो लाइब्रेरी में समय बिताते हुए जरूर दिख जाएंगे। देश के ज्यादातर लोग बहुत ही पढ़े लिखे हैं और ये बात यहाँ की लिटरेसी रेट साबित करता है जो कि है 98.74%। आपको पोलैंड के बारे में एक बात बता दूं कि जो शायद आपके लिए मददगार हो। पोलैंड घूमते वक्त पोलैंड में अगर आप किसी के घर या चर्च में टोपी पहनकर जाते हैं तो उसे डिसरेस्पेक्टफुल माना जाता है।
यहाँ के युवा हो सकता है कि इन बातों को ध्यान ना दे, लेकिन दोस्तों आज भी यहाँ के बुजुर्ग लोग किसी को टोपी लगाकर चर्च के अंदर या किसी के घर के अंदर जाते हुए देख लेते हैं तो उसे अच्छा नहीं मानते। दोस्तों पोलैंड के लोगों को दुनिया का सबसे फिटेस्ट लोगों में से एक माना जाता है। यहाँ के हर एक इंसान को अगर आप देखेंगे तो ये बड़े ही फिट और गुड लुकिंग होते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको हर एक इंसान किसी न किसी स्पोर्ट में जुड़े हुए मिलेगा। सेहत को ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोग कार्स से ज्यादा साइकिल ही चलाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हर सुबह और शाम को सभी पार्क में लोग कसरत करते हुए दिखते हैं। आपको बता दें कि आज भी पोलैंड के लोग अपने ट्रेडिशन को बहुत मानते हैं। पोलैंड में आज के दिन भी महिलाओं के हाथों को किस करना बहुत अच्छा और सम्मानित माना जाता है। अगर आपने किसी बात पर महिला के हाथों को किस किया तो उसका मतलब होता है कि आप उनकी बातों से सहमत हो। वेल, पोलैंड में एक अजीब किस्म का त्योहार मनाया जाता है। यहाँ जन्मदिन नहीं मनाया जाता, मनाया जाता है नेम डे। आपको शायद अजीब लगे लेकिन ये बात सच है। यहाँ के लोगों के बीच में उस दिन की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है जब इनका नामकरण हुआ था। नेम डे को यहाँ पर बड़े पैमाने पर हर साल मनाया जाता है। पोलैंड में हॉलीवुड की कई सारे फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन अगर आपका मन है कि किसी भी हॉलीवुड फिल्म को इस देश के लोकल लैंग्वेज में देखने का यानी कि पोलिश भाषा में देखने का, तो वो पॉसिबल होने वाला नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फिल्मों में डबिंग का काम करते हैं वो एक ही बंदा है जो कि सारे फिल्मों की डबिंग करते हैं। ऐसे में किसी के लिए भी बड़ा बोरिंग हो जाता है यहाँ की लोकल लैंग्वेज में फिल्म देखना। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस देश का अपना ही वैलेंटाइन डे है। यहाँ पर 21 जून को प्यार दिवस के नाम पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन ही यहाँ के ज्यादातर युवा एक दूसरे को अपने दिल की बात कहते हैं। साथ ही कहा तो ये भी जाता है कि इसी दिन इस देश में सबसे ज्यादा शादियां होती हैं। पोलैंड में अच्छे खासे तादाद में लोग रूरल एरिया में रहते हैं। जी हाँ, 39% लोग यहाँ पर गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसका भी खास वजह है। दरअसल ये देश भी किसानों का देश है और यहाँ पर खेती जमकर की जाती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती फ्रेश फ्रूट्स की जाती है। जैसा कि आप जान ही गए कि पोलैंड देश में जंगल बहुत है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर लोग अपनी फैमिली के साथ जंगल में जाते हैं और मशरूम को वहाँ से तोड़ कर लाते हैं। इसे यहाँ का फैमिली आउटिंग कहा जाता है। यहाँ के लोगों के बीच में मशरूम खाना बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाते हैं कि कौन सा मशरूम अच्छा है और कौन सा जहरीला। यहाँ की सबसे बेहतरीन फैमिली आउटिंग मानी जाती है। हमारे देश में किसी से कह दो कि मशरूम खानी है तो मुंह फेर लेंगे। पोलैंड के लोगों के बीच में फुटबॉल सबसे पॉपुलर गेम है। यहाँ के लोग इस गेम के लिए काफी क्रेजी है। आपने रॉबर्ट लेवांडोव्स्की का नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने तमाम रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। ये भी पोलैंड के ही रहने वाले हैं। इस देश के युवाओं के सबसे बड़े आइडल माने जाते हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। अभी हाल ही में इन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल मारने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। दोस्तों पोलैंड की लड़कियां भी बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। एक तो ये लंबी होती है, ऊपर से ये बहुत ही फिट और स्टाइलिश भी। तभी कहा जाता है कि पोलिश गर्ल फ्रेंड होना हर लड़के के लिए एक शान की बात है। लेकिन आप ट्राई करने मत जाना, नहीं तो कई बार मामला गलत भी हो जाता है। क्योंकि अगर यहाँ की लड़कियों ने किसी के भी खिलाफ शिकायत की तो समझिए कि उसके तो मजे करने के दिन गए। दोस्तों आपको बता दूं कि पोलैंड देश हद से ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर 16 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। साथ ही यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी कैसल माल्बोर्क भी मौजूद है। इस कैसल को देखने के लिए हजारों की संख्या में यूरोप के आसपास के देशों से लोग आते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 10 से 14 दिन के अंदर मिल जाएगा। पोलैंड में घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 83,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों पोलैंड की करेंसी है ज्लॉटी, जिसकी वैल्यू 18.94 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों ये था यूरोप का सबसे खूबसूरत देश पोलैंड। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट किया है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद।